हेलो एवरीवन, वेलकम टू लैब क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग 21 जनवरी 2022 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल पाए। आज की इंपॉर्टेंट न्यूज है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा किस देश के साथ पहला संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन वन का राजस्थान में आयोजित किया जा रहा है। अब यहाँ पे किस देश के साथ साइक्लोन वन का, अब तो ये मिस्र के साथ आयोजित किया जा रहा है। भारत और मिस्र देश मिलके उनके संयुक्त प्रयोजना के साथ साइक्लोन वन का आयोजन किया जा रहा है। और ये कहाँ पे किया जा रहा है, ये राजस्थान के जैसलमेर स्टेट में, जैसलमेर जगह पे किया जा रहा है और ये पहली बार हो रहा है। और इसका जो संचालन है ये कितने दिन तक चलने वाली है, 14 दिन तक। अब यहाँ पे मिस्र है तो मिस्र के अभी प्रधानमंत्री, मिस्र को इजिप्ट भी बोलते हैं, तो इसके अभी प्रेसिडेंट कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, अब्देल फतेह एल सीसी। आपको पता होगा ये जो मिस्र के प्रधान, ये राष्ट्रपति है अब्देल फतेह एल सीसी। ये हमारे अभी गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि हैं। और अभी मिस्र में भी COP 27 का आयोजन किया गया था। ये थी आज की फर्स्ट और इम्पोर्टेंट न्यूज। आज की सेकेंड और इम्पोर्टेंट न्यूज है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत द्वारा सह प्रयोजित कौन सा संकल्प को अपनाया है। अभी संयुक्त राष्ट्र महासभा, जिसको आपको पता होगा कि संयुक्त राष्ट्र में टोटल कितने अंग हैं, 6 अंग हैं, तो ये भी संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा, जिसको विश्व का लघु संसद भी कहते हैं, और इसके हेड अभी कौन है, अब्दुल्ला शहीद, ये मालदीव के हैं। इसके द्वारा अभी संकल्प पारित किया जा रहा है कौन, तो लोकतंत्र के लिए शिक्षा। और ये प्रायोजित कहाँ पर, इंडिया में ही है। और इसका पर्पज क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, सभी को शिक्षा का अधिकार, सभी को शिक्षा का अधिकार देना। ये थी आज की सेकेंड न्यूज। आज की थर्ड और इम्पोर्टेंट न्यूज है, अगर आपको शिक्षा आ जाए तो शिक्षा में ये भी समझना, शिक्षा शिक्षा मंत्रालय के अंदर आता है एजुकेशन। और शिक्षा जो मौलिक अधिकार मिला है कौन सा, आर्टिकल 21A में, और ये 86 कंस्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में है। अब यहाँ पे अगर मौलिक कर्तव्य आ जाए तो मौलिक 51 आर्टिकल 51A में आता है, और ये कौन सा शेड्यूल्स में, 11 शेड्यूल में। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब आई थी, 2020 में। और आप लोग ये भी ध्यान रख सकते हो, राइट टू एजुकेशन, ये एक्ट कब स्टार्ट हुआ, एक्ट कब स्टार्ट हुआ था, 2009 में। आज ये थी आज की सेकंड इम्पोर्टेंट न्यूज। आज की थर्ड और इम्पोर्टेंट न्यूज है, हाल ही में अमेरिकी नगर परिषद के सदस्य बनने वाली पहली और श्वेत समलैंगिक भारतीय मूल की महिला कौन है। अभी बनी है जनानी रामचंद्रन, ये पहली अश्वेत समलैंगिक भारतीय मूल की पहली महिला बनी है, कहाँ पे, अमेरिकी नगर परिषद में। तो आइए थी थर्ड। आज की फोर्थ और इम्पोर्टेंट न्यूज है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला फीचर FITUR 2023 में कौन से संस्करण का आयोजन मैड्रिड में किया जा रहा है। तो अब यहाँ पे एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला हो रहा है FITUR फीटर, ये इसका कौन सा संस्करण से हो रहा है, ये 43rd नंबर का संस्करण हो रहा है। और ये फीचर्स कैसा है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला है और ये 43rd नंबर के हैं। और इसका जो आयोजन होगा कब होगा, ये 18 से 22 जनवरी के बीच में, कहाँ पे, मैड्रिड और स्पेन में। इसका उद्देश्य क्या है, पर्यटन को COVID-19 से पहली बारी समिति, मीन्स कि जो ये COVID-19 से पर्यटन में जो इतने सारे पर्यटन में जो झुकाव थे, पर्यटन में लोग जो मैक्सिमम जो पर्सन जाते थे पर्यटन के लिए, अभी जो COVID-19 से जैसा सिचुएशन था सेम सिचुएशन में लाने का इसका पर्पज है। तो ये थी आज की फोर्थ इम्पोर्टेंट न्यूज। आज की फिफ्थ और इम्पोर्टेंट न्यूज है, हाल ही में चर्चा में रही इंडिया द मोदी क्वेश्चंस डॉक्यूमेंट किसके द्वारा जारी की गई है। अभी BBC के द्वारा एक डॉक्यूमेंट जारी की गई मोदी पे, कौन सी, इंडिया दी मोदी क्वेश्चंस है। तो ये इंपॉर्टेंट है, अभी काफ़ी चर्चा में, इसे आप लोग ध्यान रख सकते हो। ये थी आज की फिफ्थ और इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी। आज की सिक्स और इम्पोर्टेंट न्यूज है, हाल ही में 8वीं वैज्ञानिक विज्ञान साहित्य महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। अभी वैज्ञानिक विज्ञान साहित्य महोत्सव 2023 इसका आयोजन किया जा रहा है, और ये आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है, भोपाल में। आपको पता होगा कि भोपाल कहाँ पे है, मध्य प्रदेश का राजधानी भोपाल है। तो ये आप लोग रख सकते हो। क्वेश्चन समाज के सेवंथ और लास्ट इम्पोर्टेंट न्यूज है, गाम्बिया के उपराष्ट्रपति कौन है, बद्रा अली जोग का भारत में हुआ है निधन रिसेंट में। तो अब यहाँ पे गाम्बिया है, गाम्बिया रिलेटेड इम्पोर्टेंट न्यूज हो सकती है, तो आप लोग मैप में जाकर देख सकते हो ये गाम्बिया किस, कौन सा यू किस स्टेट में है, और ये गाम्बिया जाकर देख सकते हो। तो इसकी जो गाम्बिया की राजधानी है ये कहाँ पे है, बांजुल, ये ध्यान रख सकते हो। और इसकी करेंसी क्या है, दालाशी। और इसके अभी राष्ट्रपति कौन है, आदमा बोरो। ये थी गाम्बिया के बारे में। आज की एट और इम्पोर्टेंट न्यूज है, हाल ही में किसने मानवता की सेवा के लिए बहरीन का ISA पुरस्कार जीता है। तो ये कौन जीता है, सेंड्यूक रुइट
रुइट कि कहाँ का आई एस ए पुरस्कार जीता है मानवता की सेवा के लिए, बहरीन का आई एस ए पुरस्कार जीता है कौन, शेंडुक रुइट। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट करेंट न्यूज। तो इस तरीके से आपके डेली करेंट अफेयर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके 5 to 10 मिनट में अच्छे से कवर हो जाएगी। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल पाए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर, बाय बाय।